हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शिंदे अमित है। मैंने इस साल सिविल सर्विसेज़ एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़ के लिए अप्लाई किया था एंड फॉर्चुनेटली मैं दोनों सर्विसेज़ में सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरी रैंक सिविल सर्विस में 705 रही है एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 73 रैंक से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। थैंक्स टू माई गुड स्कोर्स इन एग्रीकल्चरल ऑप्शनल्स इन बोथ पेपर्स मैं ये सक्सेस अचीव कर पाया हूँ। इस वीडियो में मैं मेरी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी में आपसे शेयर करूंगा। बहुत से क्वेश्चन हैं जो आए हैं, जैसे कि कौन स्टूडेंट एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करें, कौन स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर ऑप्शनल सिलेक्ट करें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन से बुक्स आपको रेफर करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। सो मैं ट्राई करूँगा कि इन सारे क्वेश्चन पर मैं मेरी स्ट्रैटेजी में मेरा नॉलेज आपसे शेयर करूँ, ठीक है। सो बेसिकली आई एम एन एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट। मैंने मास्टरेट किया है एग्रीकल्चर में, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल को ऑप्ट किया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के हैं, वो भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल से गुड स्कोर पाके सिलेक्ट हुए हैं। बट ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी आपसे कि अगर आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं, आपने ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर से किया है, तो आप प्लीज़ एक बार सीरियसली इस ऑप्शनल के बारे में सोचिए, क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड में एक आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं इसे। एक लिमिटेड पोर्शन है इसका जिसके आप खुद से नोट्स बना के एक अच्छे स्कोर को अचीव कर पाएंगे। एंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स जो कि एक अदर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या ह्यूमैनिटीज हो, तो आप भी एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं इसमें। बट मेक श्योर कि आप एक बार उस सारे पोर्शन से जाए, उस सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझे, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल पार्ट है स्पेशली सेकंड पेपर में ऑप्शनल के, जैसे कि जेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट एंटोमोलॉजी है। सो ये पार्ट नॉन एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए नया है, सो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आप एक बार प्रिपेयर कर लें तो आगे के लिए आपके ये ईजी रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट, मैं यहाँ पे आपको मैंने जो बुक्स पढ़े हैं रेफरेंस बुक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर फर्स्ट पेपर एग्रोनॉमी सेक्शन के लिए मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी ये बुक पढ़ा था। एंड द फर्स्ट पार्ट एग्रीकल्चरल इकोलॉजी के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था। मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सेग्रीगेट कर लिए थे उस सेक्शन के लिए, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने खुद से मेरे फ्रेंड्स की हेल्प से उसके आंसर बनाए, उन्हें दो तीन बार रिवाइज किया एंड फाइनल पेपर में भी वही आंसर लिखे। देन द सेकंड पार्ट सॉइल एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन, उसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस डीके दास ये बुक पढ़ा था। बहुत ही बल्की बुक है एंड डोंट बी स्केयर कि बहुत बल्की है, ये रिवाइज होंगे या नहीं। बहुत लिमिटेड चैप्टर पढ़ने हैं आपको इस बुक में से, जो कि आप इजीली कवर अप कर पाओगे एंड रिवाइज भी कर पाओगे। देन द थर्ड पार्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जिसके लिए मैंने फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वीटी राजू जी इनकी बुक पढ़ी थी। छोटी बुक है एंड मैंने उसे सब्सटेंशिएट किया था मेरे डिग्री के एग्रीकल्चर नोट्स के साथ। एंड फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था। मैंने मेरे ग्रेजुएशन के फॉर एग्जांपल तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के और आचार्य इंजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उनके नोट्स पढ़े थे एंड उनसे ही मैंने खुद के नोट्स बनाए थे एंड उसे ही रिवाइज करके मैंने फाइनल पेपर में लिखा था। फॉर सेकंड पेपर जो कि बहुत टेक्निकल माना जाता है, बहुत स्पेसिफिक लिखना होता है यहाँ पे, उसका फर्स्ट पार्ट है एग्रीकल्चरल जेनेटिक्स। उसके लिए मैंने मेरे डिग्री के नोट्स पढ़े थे। मेरे बहुत से फ्रेंड्स उन्होंने इसेंशियल्स ऑफ प्लांट जेनेटिक्स ये बुक पढ़ा है बी डी सिंह इनका। देन फॉर प्लांट ब्रीडिंग के लिए मैंने फुंदन सिंह का बुक पढ़ा था। देन सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी मैंने फुंदन सिंह इसी बुक से कवर किया था। देन फॉर प्लांट फिजियोलॉजी मैंने पांडे एंड सिन्हा ये बुक पढ़ा था, प्लांट फिजियोलॉजी बाय पांडे एंड सिन्हा। देन फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी, इसके लिए मैंने ग्रेजुएशन के नोट्स ही पढ़े थे, उन्हीं में से मैंने खुद के नोट्स बनाए थे एंड फाइनली मैंने उन्हीं को रिवाइज करके फाइनल पेपर में लिखा था। एंड फॉर लास्ट पार्ट जिसमें फूड पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट्स के जो स्कीम्स हैं या माल नरिशमेंट उसके रिलेटेड जो टॉपिक है, उसके लिए मैंने कोई पार्ट नहीं, कोई बुक या कोई नोट्स नहीं पढ़े थे।
एक्चुअली वो पार्ट जीएस के थर्ड पेपर से मर्ज करता है, वो टॉपिक वहाँ पे भी रिपीट होते हैं। सो मैंने जीएस थ्री के लिए गवर्नमेंट के स्कीम्स पढ़े थे एंड उसी से मैंने ऑप्शनल के लिए पार्ट भी कवर कर लिया। द सेकंड पार्ट इज़ नोट्स मेकिंग। मैंने एंड मेरे फ्रेंड्स ने हमने मिलके खुद के नोट्स बनाए थे, हमने टॉपिक एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट किए थे एंड हमने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन सेग्रेट कर लिए थे। जैसे कि एक टॉपिक उठा लीजिए सॉइल कंजर्वेशन, उसमें 10 साल से कौन से क्वेश्चन आए हैं, हमने वो सेग्रेट कर लिए और रेफरेंस बुक्स से उसके आंसर्स बनाए एंड हम लास्ट एग्ज़ाम तक उसे रिफर्निश करते रहे, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करते रहे एंड वो नोट्स ऐसे इवॉल्व होती रही। तो आप मेरी आपसे एडवाइस रहेगी कि आप भी खुद के नोट्स बनाइए, शायद हो सके तो आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए या खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए एंड क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। नोट्स बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एग्रीकल्चर ये बेसिकली एक बल्की टॉपिक है, बहुत बड़े बुक्स हैं इसके, आप उसे लिटरली रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे 2 या 3 दिन में एंड ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स, डायग्राम्स, केस स्टडीज़ होती हैं, इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ के नाम आपको याद रखने होते हैं। तो अगर आपके खुद के नोट्स हो जिसे आप 1 या 2 घंटे में रिवाइज़ कर पाए तो ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करेगा, ये आपके मार्क्स को भी इम्प्रूव कराएगा, हेल्प करेगा कि आप अच्छा स्कोर करो फाइनल एग्ज़ाम में। एग्रीकल्चर के लिए मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ या कोचिंग मटेरियल का यूज़ नहीं किया था, हमने हमारे खुद के ही नोट्स फॉलो किए थे, उसे ही 2-3 बार रिवाइज़ किया था एंड अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन मुझे मार्केट में कोई यूज़फुल टेस्ट सीरीज़ या क्लासेस नहीं मिले थे। सो ये नोट्स आपको हेल्प करेगी कि आप खुद के आंसर बनाइए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी एंड आपके आंसर को फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि एग्रीकल्चर का पेपर सिविल में कैसा होता है, फॉरेस्ट सर्विस में कैसा होता है। एंड बेसिकली सिविल सर्विस में बहुत जनरलिस्टिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इजी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट फॉरेस्ट सर्विस में क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखने होते हैं आपको, बहुत फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस में आपसे पूछ लेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी, बट फॉरेस्ट सर्विस में आपसे पूछेंगे कि हाउ फॉस्फोरस गेट फिक्स्ड इन सॉइल कोलाइड्स, इस टाइप के एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहाँ पे बहुत क्रिस्प आंसर लिखना होता है तभी मार्क्स आते हैं आपको। एंड ओवर द ईयर एग्रीकल्चर का पैटर्न भी बहुत चेंज हुआ है, जैसे कि हम पढ़ते थे पहले तो पहले पेपर होते थे जिसमें बहुत मेजर टॉपिक्स पे मोर ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स पे हैं, उसी पे 60-70% क्वेश्चन आएंगे, बट हम लास्ट 2 या 3 ईयर्स के पेपर देखें तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के पेपर आते हैं, हर क्वेश्चन का, हर पार्ट का एक एक क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कंपलसरी सेक्शन में भी, हर टॉपिक को एक इक्वल वेटेज दिया हुआ उन्होंने। सो ये एक प्रोसेस कॉम्प्लेक्स करता है, तो ये मेरी आपसे और एक एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ आप कोई पार्ट एक्सक्लूड ना करें, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रखें हर पॉइंट की, हर टॉपिक की, उस टॉपिक्स को एक बार आप ठीक से पढ़ लें एंड उसके क्वेश्चन पेपर भी आप कीजिए। देन द लास्ट पार्ट इज़ कि जो प्रेजेंटली स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं वो अपने एग्रीकल्चर का स्कोर किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे ग्रुप ने, हमारे मेरे फ्रेंड्स ने, मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि हम एग्रीकल्चर का पेपर टेक्निकल लिखेंगे, क्योंकि हम खुद सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर एज ए साइंस हम इसको पढ़े हैं, तो इस पेपर को हम एज ए साइंस का पेपर लिखेंगे, ना कि जर्नलिस्टिक पेपर लिखेंगे। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे कि इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैराइटी है, फ्लड रेजिस्टेंट वैराइटी है, इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स है लाइक हैप्पी सीडर, ऐसे एग्जांपल कोट्स करना स्टार्ट किया हमारे नोट्स से, डायग्राम बनाए खुद के, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं। आप भी ऐसे इनोवेशन ट्राई कीजिए, वो खुद के नोट्स में कीजिए एंड तब आपको इजी होगा कि आप वही एग्जांपल आपके फाइनल पेपर में भी रिप्लिकेट कर सकें। मैंने एंड मेरे फ्रेंड्स ने ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत से फॉलो किए थे, हम एग्री इन्फो की वेबसाइट बहुत बार फॉलो किए हैं, बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स हमें वहाँ मिले हैं। मैं फ्रिक्वेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट हमेशा देखता था, कौन से न्यू स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स के क्या इम्प्लीकेशंस हैं,
आईसीआर की वेबसाइट देखता था कि कौन से वैरायटीज़ हो रहे हैं, किस एस्पेक्ट्स पे वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर का एग्जांपल मुझे वहाँ पे मिला। तो वो उस तरह के एग्जांपल आप एब्सॉर्ब कर सकते हैं वहाँ से, एंड वही फाइनल पेपर में लिखेंगे तो आपका स्कोर और ज़्यादा इनरिच होगा। फ्रेंड्स, मैंने मेरी एग्रीकल्चर की स्ट्रैटेजी आपको बता दी है इस वीडियो के साथ। मैं मेरे रेफरेंस बुक की लिस्ट एंड एग्रीकल्चर डिग्री के नोट्स के लिंक्स भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन इन ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल्ली नॉलेज ट्रैक। थैंक यू सो मच।